नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएनसी इंफोटेक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आरएससीईआरटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। हमारे पास में चार ऑप्शन है, मैन फ्रेम, माइक्रो वर्क स्टेशन एंड सुपर कंप्यूटर। तो हमारा करेक्ट आंसर है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि इनका यूज वेदर फोरकास्टिंग और एरोडायनेमिक्स और न्यूक्लियर फिजन की जो रिसर्च होती है उनके लिए किया जाता है। ये सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंड यूजर प्रोग्राम का उदाहरण है। एंड यूजर प्रोग्राम का मतलब जो आखिरी स्टेज पे जो यूजर प्रोग्राम कर पाए उसे बोल देते हैं एंड यूजर प्रोग्राम। जो हमारी एप्लीकेशन होती है वही एक एंड यूजर प्रोग्राम का एग्जाम्पल होती है। तो इसमें कौन सी एप्लीकेशन है, वो है वर्ड प्रोसेसर। ये एक एंड यूजर प्रोग्राम का उदाहरण है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर से कनेक्ट करता है और सॉफ्टवेयर के लिए एक मंच के रूप में, एक प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदान किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कि कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा को तय करने वाली कौन सी लिमिटेशन इसमें है। हमारे पास में चार ऑप्शन है, स्पीड, एक्यूरेसी और डाइलिजेंस एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमारे पास में स्पीड कंप्यूटर की होती है, एक्यूरेसी बहुत ही होती है और प्रिसम करने के लिए ये काम करता है, और लैक ऑफ इंटेलिजेंस मतलब इसमें बुद्धि का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। तो हमारी लिमिटेशन क्या हुई, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो हमारे पास में पीडीए एंड लैपटॉप, ये दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए एंड बी, ये दोनों ही हमारे पास में माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक कथन को सही है या गलत है ये चुनना है। मैन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुनें। क्या ये बात सही है या गलत। अब हम बात करते हैं कि मैन फ्रेम कंप्यूटर होते क्या। मैन फ्रेम कंप्यूटर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं, तो ये बहुत ही महंगे होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, कि ये कथन गलत है। तो करेक्ट आंसर हुआ बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमें चेक करना है कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर, नोटपैड एंड फोटोशॉप, ये तीनों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बट जो हमारे विंडोज 7 है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं कर सकते। ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं, मैन फ्रेम, मैक्सी फ्रेम, मिनी एंड नोटबुक। मिनी, नोटबुक एंड मैन फ्रेम, ये तीनों क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आ जाते हैं, जबकि एक मैक्सी फ्रेम कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में नहीं आता। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ बी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से घटक है, इसके लिए हम बात करते हैं। इसके ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर एंड ऑल ऑफ द अबो। ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, यूटिलिटीज हुआ और डिवाइस ड्राइवर हुआ, ये तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबो। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वेब ब्राउजर कौन सा है। तो हम बात करते हैं वेब ब्राउजर के बारे में। वेब ब्राउजर वो एप्लीकेशन होती है जिसके द्वारा हम नेट पे कुछ चीज़ें सर्च कर पाए। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड गूगल क्रोम, ये तीनों ही वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबोव। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर का वर्गीकरण जो किया गया है वो किन आधार पर किया गया है, वो है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीनों ही कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी, जिसमें ए बी सी ऑल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। आउटपुट डिवाइसेज वो डिवाइसेज होते हैं जो
हमें आउटसाइड में कोई इन्फॉर्मेशन प्रदान करे। तो स्कैनर, प्लॉटर, टैप एंड सॉफ्टवेयर, हमारे पास में चार ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप हाई क्वालिटी में आप कुछ चीज़ें प्रिंट आउट में ले सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। कीबोर्ड एंड माउस ये इनपुट है पर मॉनिटर आउटपुट है। प्लॉटर, मॉनिटर, स्कैनर। प्लॉटर आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है। कीबोर्ड, टचपैड एंड प्रिंटर। कीबोर्ड इनपुट है, टचपैड भी इनपुट है बट प्रिंटर आउटपुट है। ट्रैकबॉल, टचपैड एंड माइक्रोफोन ये तीनों ही इनपुट डिवाइसेज है जिनके थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन इनपुट में प्रदान की जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ डी, हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर, हार्ड डिस्क या ए एंड सी। तो हमारा करेक्ट आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड हार्ड डिस्क। तो इन दोनों के माध्यम से आप कंप्यूटर के कोई भी इन्फॉर्मेशन को डिवाइस में स्टोर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर के साथ में कनेक्टेड हो और सॉफ्टवेयर के लिए एक मंच के रूप में प्रदान किए जाए। तो ये कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे विंडो 7, विंडो XP, विंडो 10, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पेज मेकर, नोटपैड एंड फोटोशॉप ये तीनों एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडो 7 हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। CNC Infotech आपके हमेशा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।